नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैंड अप गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए होगा। 2 मिनट का डिक्टेशन होगा। आप इसके अलावा किसी भी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे 6 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, तो ये प्रीवियस ईयर का डिक्टेशन है इसलिए 6 मिनट का ही होगा। बाकी आपको तैयारी जो है वो 10 मिनट का करके जाना है, ताकि वहाँ पे 6 मिनट का डिक्टेशन बहुत आसानी से लिखा जाए। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। 5 सेकंड स्टार्ट। सदियों से चली आ रही यह कहावत की अधिकांश झगड़े जर जोरू या जमीन के लिए ही होते हैं, आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। इसका प्रमाण इससे भी मिलता है कि देश की अदालतों में आज भी सबसे अधिक मामले जमीन को लेकर, या यूं कहें कि राजस्व विवादों को लेकर ही विचाराधीन हैं। जमीन का झगड़ा अदालतों के लिए सबसे बड़ा बोझ है। यह भी सही है कि दीवानी मामलों, खास तौर से जमीन के मामलों का निपटारा होने में लंबा समय लगता है, यहाँ तक कि अदालतों की तारीख दर तारीख चक्कर काटते हुए पीढ़ियां गुजर जाती हैं। राजस्व मुकदमे एक बार न्यायालय में दाखिल हो जाते हैं तो फिर इस तरह के मकड़जाल में उलझ जाते हैं कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। एक न्यायालय से जैसे तैसे फैसला हो भी जाता है तो उससे उच्च अदालत में अपील हो जाती है, और इस तरह से यह प्रक्रिया अनवरत हो जाती है। पिछले दिनों एक संस्था दक्ष के एक सर्वेक्षण में उभर कर आया कि अदालतों में सबसे अधिक लंबित मामले खेती की जमीन के बंटवारे के हैं। अदालतों में सबसे अधिक काम का बोझ यदि कोई है तो वह जमीन के झगड़ों का है। इसमें भी मजे की बात यह है कि इस जमीन के झगड़े के में सबसे ज़्यादा उलझे हुए परिवारजन हैं, अर्थात जमीन के झगड़ों में आधे से ज़्यादा मामले परिवार के सदस्यों के बीच ही है। एक तथ्य यह भी उभर कर आया है कि जमीन के झगड़े में सबसे ज़्यादा गरीब और पिछड़े हुए लोग फंसे हुए हैं। देश के न्याय के मंदिरों में काम का बोझ अत्यधिक है, और यही कारण है कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भावुकता मानने के स्थान पर स्थिति की गंभीरता और उनके दर्द को समझना होगा। अब तो देश के सभी राज्यों में लोक अदालतों का सिलसिला भी चल निकला है। प्रतिवर्ष इन लोक अदालतों में लाखों प्रकरण आपसी समझाइश से निपटाए जा रहे हैं।
हालांकि राजस्थान में न्याय आपके द्वार अभियान चलाकर इस तरह के प्रकरणों के निस्तारण की दिशा में सार्थक प्रयास हुए हैं। न्यायालयों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को साझा प्रयास करने होंगे। एक और जहां न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना होगा, वहीं दूसरी ओर सरकार व विधि आयोग को साझा प्रयास करते हुए प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उपाय खोजने होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों के जल्दी से जल्दी निपटारे के लिए भूमि सुधार कानून की आवश्यकता है। इसी तरह से यह भी उभर कर आ चुका है कि जमीन के ज़्यादातर विवाद परिजनों के बीच ही होते हैं, तो इनकी प्रकृति की का गंभीरता से अध्ययन कर पारिवारिक विवादों के निपटारे शीघ्र निपटारे के प्रावधान कानून में करने होंगे। पंचायतों के माध्यम से दोनों पक्षों को बैठाकर स्टाफ ओके दोस्तों, आप लोग इसको ट्रांसक्राइब करिएगा, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका PDF मिल सके। PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस बुक ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।